सो हेलो नमस्ते सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानिस्तान 2.0 पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ YPM व्लॉग्स के बारे में। सो गाइस, YPM व्लॉग्स का भी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुआ था गटसी लड़का के साथ, जिसमें कि गटसी लड़का ने काफी ज्यादा रोस्ट वीडियोस बनाई थी YPM व्लॉग्स के ऊपर। एक नहीं दो नहीं गाइस, कम से कम 10-15 वीडियोस बनाई थी। और उसके बाद जो है गाइस, YPM व्लॉग्स प्लस उसके जो फादर है, उन्होंने जो है उनके ऊपर एक लीगल एक्शन लेने का प्लान किया हुआ है। और गाइस, उन्होंने 1 करोड़ का केस भी फाइल किया है उनके ऊपर। अब इसके बाद होता यह है गाइस कि YPM व्लॉग्स जो है अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे एक और क्रिएटर के ऊपर अपना लेटेस्ट रिएक्शन शेयर करते हुए उन्होंने काफी कुछ बताया है, तो मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूँ गाइस। सो इस क्रिएटर का नाम है गाइस समर्थ सिंह, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं गाइस। इन्होंने भी जो है YPM व्लॉग्स के ऊपर काफी ज्यादा रोस्ट वीडियोस बनाई है, और इसी के ऊपर जो है YPM व्लॉग्स अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लिखते हैं, आई डोंट नो व्हाई डज दिस क्रिएटर्स इन्वॉल्व आवर पेरेंट्स इन देयर वीडियोस, दे कीप सेइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, H2 ले ली, R8 ले ली, मैंने ले ली तो तू भी ले ले, और कुछ नहीं मिलता तो कह देते हैं एक्सीडेंटल है, अबे तू एक प्रूफ दे दे मेरी बाइक या कार एक्सीडेंटल है, वो चीज अभी बेच दूंगा और पैसे तेरे को दूंगा पूरे। फिर उसके नीचे लिखते हैं गाइस, स्क्रीनशॉट ले ले, एक प्रूफ दे दे एक्सीडेंटल का, वरना चुपचाप बैठ कोने में। फिर उसके नीचे लिखते हैं गाइस, मिल गया अब क्लाउड समर्थ सिंह गश्ती के लड़के। फिर गाइस, उन्होंने एक और स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्होंने ये डिफरेंस दिखाया कि जो वो लोग अपने वीडियोस जो बनाते हैं उन पर जो है बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, और जब भी वो किसी क्रिएटर को रोस्ट करते हैं YPM को या मास्टर बटर को, तो उन पर जो है काफी ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। और गाइस, कुछ वीडियो क्लिप्स भी है जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम आते हैं जो लोग डालते हैं फेक आर्टिकल्स पैसे लेकर के, मेरे नेगेटिव आर्टिकल्स। भाई थोड़ा देख लो अपने कंटेंट को, क्यों फालतू में कुछ पंगे ले रहे हो, फेक डालते रहोगे आर्टिकल्स। इनको मैक्सिमम देते हैं लोग 1000-2000 रुपए डाल देते हैं आर्टिकल्स, भाई यदू की ये है यदू वो है, मे भी उसे कंटेंट। मास्टर बटर का नाम दबाते इसके व्यूज 20,000-30,000, गौरव के नाम पे 20,000-30,000 व्यूज, मतलब सबके नाम पे व्यूज खा रहा है ये, तो कहीं पे कुछ कंटेंट है नहीं और व्यूज खाते हैं दूसरों के नाम पे। मेरे को समझ नहीं आती भाई चीज़ें, ये क्या है ये, तुम चीज़ खरीदते हो ना और ये लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल है। मैंने वो खरीदी H2, एक बंदे की वीडियो है जिसमें वो बाइक को रेव कर रहा है और ये कह रहे हैं एक्सीडेंटल है। भाई तुम प्रूफ कर दो बाइक गिरी है, बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, या जो मेरी गाड़ी है R8 वो एक्सीडेंटल है, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, मेरे को प्रूफ कर दो। जो उसको बेच के पैसे आएंगे ना, मैं तुम्हारे बेच दूंगा अकाउंट के अंदर, और अगर तुम नहीं करते ना प्रूफ तो चुपचाप रहो, क्योंकि भाई कोई तुम पे एलिगेशन लगाता रहे, फालतू लगाता रहे तो बंदा झेलता है एक लिमिट तक, उसके बाद कोई बंदा झेलता नहीं है। चले समर्थ सिंह नाम का, और मेरे क्लास में था 10th क्लास में जब मैं था रेजोनेंस के अंदर, और तब से मेरे पीछे पढ़ाता था भाई, मेरे को दे दो शाउट आउट इंस्टाग्राम पे, दे दो शाउट आउट, और भाई अब भी मेरे पास आता रहता है वीडियोस, इसके खुद की वीडियो पे भी व्यूज देखो जाकर के 500-600, जब भी डालते ना मेरा नाम 20,000-30,000 जब डालते। तो ये एक तरीके से एक नया ट्रेंड चल गया है कि मतलब जो है क्रिएटर्स को रोस्ट करना है, और वो जो है उनका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है गाइस। तो इससे रिलेटेड गाइस आपका मुझे क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताना। और हाँ गाइस, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबा देना, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए आपके नोटिफिकेशन पैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस।